हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपाई और आप मेरे साथ सीख रहे हैं गाइस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये एससी वर्मा के सॉल्यूशन है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस उनको प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल में सभी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, साथ में मैथ्स के भी टॉपिक्स मिलने वाले हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, लाइक जीओसी बहुत ही डिटेल में कंप्लीट हुई है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं गाइस, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको कंप्लीट आईआईटी जेईई मेंस का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल इन अ सैम्पल ऑफ हीलियम गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मास ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल दिया गया है और बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट दिया गया है। तो अब कैसे समझे क्या पूछ रहे? तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम, तो आपने पढ़ रखा है कि लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और मास इनटू वेलोसिटी होती है। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर हीलियम गैस का सैंपल है गाइस तो आप एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली तो नहीं निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो, है ना। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, सारे हीलियम के जो मॉलिक्यूल होंगे उनका मास तो सेम होगा लेकिन जो उनकी वेलोसिटी होगी उसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा, तब आप जो है पी एवरेज यहाँ पर ले पाओगे। तो मास हमें पता है, ठीक है, लेकिन वी एवरेज हमें नहीं पता है। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का वी एवरेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज 8RT/πm, है ना। ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 8RT/πm, आपको याद होना चाहिए वी आर एम एस एंड और कौन सी वेलोसिटी गाइस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज रूट ऑफ 8RT/πm। अब देखो आप 8RT/πm करके भी निकाल सकते हो, और एक और इम्पॉर्टेंट देखो तरीका है इसी को निकालने का, अगर आपको एवरेज निकालना है और जैसे कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट दिया है और मास ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल दिया है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ R की जगह K भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब आप मॉलिक्यूलर वेट ना यूज़ करके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास यूज़ करोगे, मास, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो बस ये वाला यूज़ कर लो चाहे वो यूज़ कर लो, बात एक ही है। तो चलिए तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, तो K की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ गिवेन टू अस। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो R को रख के और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल 4 रख के, ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट, वो भी सही है। अब क्योंकि हमें मास दिया गया तो हमने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 6.64×10⁻²⁷। तो बात समझ में आएगी नहीं आएगा इस? बोलो बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक, तो V एवरेज यहाँ से अब आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो V एवरेज नियर अबाउट 1201 या 2 के आसपास आती है, तो ये 1201 मैंने मान लिया, सो दिस इज V एवरेज। तो वंस यू गॉट V एवरेज हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे और P एवरेज निकाल लेंगे। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं गाइस जो आपके नंबर बिल्कुल पक्के करा सकते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि टिपिकल भी नहीं हैं और आपको फॉर्मूले वगैरह भी समझ में आ जाएंगे क्या क्या करना है, तो फिर आप आसानी के साथ जो है नंबर्स स्कोर कर सकते हैं गाइस फिजिक्स के अंदर। तो देखो सिंपल सा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो 12672 एंड 12 6, फिर से 7.9 के आसपास कुछ आ रहा है 10⁻²⁴। तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं, 8×10⁻²⁴ kg m/s। सो दिस इज हाउ यू गेट द एवरेज मोमेंटम ऑफ दीज मॉलिक्यूल। तो ठीक है, बढ़ते हैं गाइस अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या बोल रहे हैं। वहाँ बोल रहे हैं द मीन स्पीड। अब देखो मीन स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो बात तो सेम ही होती है, तो मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सैम्पल्स इक्वल द मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम सैम्पल।
यानी कि V average of hydrogen molecule is equal to V average of helium का molecule या helium atom भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इन दोनों का इक्वल है। फिर से पढ़ लो, मीन स्पीड इज इक्वल्स है ना, यही लिखा हुआ है। नाउ दे आर टेलिंग कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन सैंपल टू द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम सैंपल। अब देखो एक और आप कर सकते हो, अगर अब मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, इनका स्क्वायर कर दूँ, देखो रूट रहता है ना फॉर्मूले, इनका स्क्वायर कर दो तो वो भी इक्वल होगा बिल्कुल 100%। फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आर टी हाइड्रोजन वाला टेम्परेचर अपॉन पाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बराबर हो जाएगा इधर से भी 8R टेम्परेचर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन पाई मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 8R पाई कट गया दोनों तरफ, अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ हीलियम, विच इज नथिंग बट जस्ट सिंपल मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हीलियम। तो क्या ये इतना मुश्किल है गाइस, बिल्कुल आसान है, दो होता है इसका मास और 4 होता है इसका, तो ये कितना आ गया 1/2। सो दिस वॉज वॉट वॉज आस्क फॉर, तो क्या इतना मुश्किल है गाइस, तो बस बहुत ही सिंपल है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में भी मिल जाते हैं, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इस बुक से करने में इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं गाइस, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है लेवल, तो आप आराम से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एट वॉट टेम्परेचर, थोड़ा सा ग्रेविटेशन का भी यहाँ पे तड़का लगा दिया क्वेश्चन के अंदर, बोल रहे हैं एट वॉट टेम्परेचर द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ। तो क्या कह रहे हैं देखो, एट वॉट टेम्परेचर द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ। तो क्या टेम्परेचर हो मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जिससे कि वो स्पीड एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ पे पहुंच जाए। तो एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ अगर आप जानते हो गाइस, तो हम उसको लिख सकते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले में, दैट इज √2gr, है ना, ये एस्केप वेलोसिटी है √2gr, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज व्हाट इज अवर। अब मीन जो है हमारा मीन, तो हमारी जो मीन स्पीड है वो अगर वी एस्केप के बराबर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो हम फिर से स्क्वायर कर लेंगे गाइस, कर लें स्क्वायर, बिल्कुल दोनों ही तरफ रूट है, तो 8RT बाई पाई एम इज इक्वल टू 2G। अब ये दोनों R सेम हो जाएंगे इसलिए इसको स्मॉल R लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 2GR। अब बस आपको ये टेम्परेचर बताना है, तो T हो जाएगा पाई एम 2πmgr, बहुत अच्छे, और नीचे भेज दो 8R, ठीक है, तो ये 2/4। सो जस्ट स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, पाई बाई 4 मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू भी रखी देते हैं लगे हाथ, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3.14, और जी की वैल्यू 9.8। अर्थ के रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी, कितनी होती है अर्थ के रेडियस की वैल्यू गाइस, 6400 किलोमीटर, और फिर इसमें आपको मीटर करना पड़ता है, बहुत परफेक्ट। और कुछ बच गया क्या, जी को 10 ही कर लेते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, तो आई थिंक पाई भी आ चुका है, मास नहीं अभी हम लोगों ने लिया, मास ले लो 2 हाइड्रोजन का, जी ले लिया 10 और रेडियस ले लिया, और आर की वैल्यू, आर की कितनी वैल्यू होगी गाइस, 8.314। तो ये सब कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो फिर हमें क्या पता चलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि 11,800 केल्विन, कितना, इतना टेम्परेचर जाए तब आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो अर्थ को एस्केप कर सके, ठीक है, दैट इज़ टू हाई टेम्परेचर फॉर सच थिंग टू हैपन।
तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुत जल्दी हो रहे हैं गाइस, क्योंकि ये चैप्टर ही सिंपल है, ठीक है, जल्दी से आप मेरे साथ इसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मीन स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू द मीन स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ द टू गैसेस, ठीक है। तो केटीजी जब पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि एक गैस दूसरे इस गैस से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करती है, इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं लेना अपने को। अपने को तो सिंपल वी एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, जो कि कई सारे क्वेश्चन अब कर चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। ये फायदा है गाइस कि 10 मिनट आप वीडियो देखते हो, फटाफट आपको सारे फॉर्मूले वगैरह रिवाइज हो जाते हैं विद द प्रॉब्लम एंड यू अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व ऑल्सो। तो देखो यहाँ पे, तो वी एवरेज ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वी एवरेज ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे देखो, रेशियो इनका चाहिए अपने को, तो रूट में आ जाओ भाई, 8R और पाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मीन टू द मीन स्पीड इन अ सैंपल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। तो भाई आप ये खुद समझो कि जब सैंपल है, एक ही आप उसमें रख रहे हो इनको, क्या कहते हैं, एक ही कंटेनर में रख रहे हो, तो क्या टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो 8R T पाई ये सब में होगा गाइस, तो ये कॉन्स्टेंट है। तो वी कैन से कि वी एवरेज इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, तो यानी कि यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, और क्योंकि इन्वर्सली है रूट के अंदर, तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई है, यहाँ पे रूट 28 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो दिस इज रूट 14, तो 4 से कुछ कम, दैट इज 3.74, दिस इज योर आंसर। सो लेट मी राइट दिस आंसर, सो डिड यू गेट हाउ इजी दैट वन, वी एवरेज नाइट्रोजन इज कमिंग आउट टू बी 3.74, सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इजिली आपको आंसर मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या शो करता है, फिगर शोज अ वेसल पार्टीशन बाय अ फिक्स्ड डायथर्मिक सेपरेटर। तो एक वेसल यहां पे बना हुआ है, दिखा देता हूं मैं, ये डायथर्मिक है, ठीक है, तो टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है। डिफरेंट आइडियल गैस आर फिल्ड इन द टू पार्ट्स, द टेम्परेचर लेकिन सेम हो जाता है। आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो आरएमएस स्पीड है वी आरएमएस, दैट इक्वल्स टू द मीन स्पीड, जिसको मैं एवरेज बोलूँगा यहाँ पर, तो वी एवरेज के बराबर है इन द राइट पार्ट। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लेफ्ट पार्ट टू द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द राइट पार्ट। सो बिकॉज द टेम्परेचर इज सेम, बिकॉज इट इज गिवेन इट्स अ डायथर्मिक सेपरेटर, तो बस वी आर एम एस का फॉर्मूला फिर से मैं एक बार बोलूंगा आपसे, क्योंकि दोनों में रूट लगता है, तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एवरेज का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो वी आर एम एस का स्क्वायर जब करेंगे तो 3RT/m1, तो इधर का मास m1 मान लिया, इधर होता है 8RT/πm2 हो जाएगा, RT कैंसिल, एंड दे वॉन्ट रेशियो लेफ्ट वाले का राइट वाले की तरफ ले, तो m1/m2 कर लो, इसको इधर भेज दिया, और पाई 3π/8 कितना आया, 3π/8, तो सिंपल कैलकुलेशन, 3 × 3.14/8, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.18, तो m1/m2 for such thing to happen is 1.18. तो इसी के साथ हमारे पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं गाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक करेंगे। आप शेयर करते रहिए गाइज वीडियोस को, और लाइक भी करिए, आप अपनी तरफ से इतना तो कर ही सकते हैं गाइज इस चैनल को आगे तक चलने के लिए, प्लीज़ डू सपोर्ट गाइज, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।